और फिर पुष्कर राज कायम हो गया, यानी कि बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगा दी। पुष्कर सिंह धामी अब 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। धामी के ऐलान के साथ उनके समर्थक जश्न में डूब गए। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। धामी ने जीती सीएम की रेस। धामी के नाम पर लगी मोहर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। पहाड़ की कुर्सी पर बैठेंगे धामी। उत्तराखंड के सरताज होंगे धामी। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सूबे के नए निजाम पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी तो समर्थक जश्न मनाने लगे। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब धामी के नाम पर मोहर लगाई गई। धामी पर भरोसा जताते हुए हाईकमान ने एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी धामी को सौंप दी है। मैं उत्तर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रविवार को भी दिन भर दिल्ली में पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चलती रही। उस वक्त दिल्ली से देहरादून के बीच सियासी हलचल तेज हो गई थी। 10 मार्च को काउंटिंग के बाद से ही लगातार सूबे की सियासत में बड़ा प्रश्न बना हुआ था कि आखिर उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा। हालांकि कई बार धामी के नाम पर भी चर्चा हुई और सीएम रेस में कई दिग्गज भी थे, लिहाजा धामी ने तमाम महारथियों को पछाड़ते हुए पहाड़ की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। तो सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल पलूने ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि धामी की मेहनत से ही बीजेपी की उत्तराखंड में धमाकेदार वापसी हुई है। मेरे साथ अनिल बनूली जी हैं, राज्यसभा सांसद। अनिल भाई साहब, आपसे जब बात हुई थी तो आपने भी पुष्कर जी के नाम की हामी भरी थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने फीडबैक आपसे भी लिया, कई सांसदों से भी बात की थी, तो क्या था कहानी और आपने किस तरीके से रिकमेंडेशन? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया और धामी जी ने जिस प्रकार से चुनाव में मेहनत की, सभी लोगों को एक साथ लेके चले और बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव का प्रबंधन भी हुआ, इसके लिए धामी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। सभी लोगों ने विधानमंडल दल में इसकी प्रशंसा की कि धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जीते और हम सबकी इच्छा है कि धामी जी मुख्यमंत्री पुनः बने। सभी ने इसका समर्थन भी किया। धामी जी नेता चुन लिए गए हैं, आने वाले एक दो दिन में शपथ भी हो जाएगी और आने वाले दिनों में जो हम लोगों का एक सपना है उत्तराखंड को आगे ले जाने का, उस सब पे 2024 का विजन है। अनिल जी, मेरा एक सवाल है, आपका नाम बड़ी तेजी से चर्चा में था और एक हल्का आपके नाम को लेकर कर रहा था कि इस बार कि अनिल बलूनी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुनिए, आपका सवाल हो गया, ये सब चर्चाएं आप लोग करते हैं, ये सब चर्चाएं आप लोग करते हैं गिराने उठाने चढ़ाने की, तो इसलिए ये आप लोग खेलते रहिए। हमारा काम है उत्तराखंड को विकास कराने का और हम लोग उत्तराखंड को विकास के काम आगे रास्ते पे ले। अनिल बलूनी है जो साफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड को विकास के रास्ते पे और सर्वसम्मति से सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के नाम की ही चर्चा इस विधानमंडल दल की बैठक में। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, देहरादून न्यूज़ नेशन।